वहीं पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने अपना परचम लहरा दिया। लगातार दूसरी बारी ब्रॉन्ज पर कब्जा किया और हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारतीय हॉकी टीम में शामिल एमपी के लाल विवेक सागर ने भी समय समय पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने वीडियो कॉल पर विवेक से बात की, बधाई दी और कहा कि हर एक प्रदेशवासी को उन पर गर्व। सारे सारे खिलाड़ियों को और हमारे तो माननीय डीएसपी हो अब आप और क्या है। अभी हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार? अच्छा, सरकार की ओर से ये मध्य सरकार अपने गौरवशाली खिलाड़ी को इनके अपने किए गए योगदान के लिए, देश के लिए आपके यहाँ के योगदान को स्मरण करते हुए सारे मित्रों को, आपके हरप्रीत सहित सबको बधाई देना मेरी तरफ से, सारे खिलाड़ियों को, है ना, सब सब सभी मित्रों को बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। शूटर मनु भाकर ने दिल्ली में केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सिंधिया ने ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर को अष्ट धातु की गणपति की मूर्ति भेंट की। मनु भाकर के साथ उनका परिवार भी था। केंद्र मंत्री ने मनु भाकर को जीत पर बधाई दी, साथ ही उनके कोच जसपाल राणा को भी शुभकामनाएं दी।